किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं। उन्होंने बुराड़ी जाने वाली गृह मंत्री अमित शाह की अपील को खारिज कर दिया है। दूसरी तरफ मोदी सरकार की ओर से लगातार किसानों को मनाने की कोशिश हो रही है। अब किसानों के मुद्दे पर सियासत भी जबरदस्त तरीके से हो रही है। किसानों ने ठान लिया है कि वो न हटेंगे न टस्से मस होंगे। अब की बार किसानों का आंदोलन जोरदार। केंद्र सरकार की ओर से किसानों को समझाने बुझाने की बहुत कोशिश हुई। एक दिन पहले ही किसानों से गृह मंत्री ने बुराड़ी ग्राउंड पर जाने की अपील की थी, लेकिन किसानों ने सीधे और सपाट लहजे में कह दिया कि यही मांगे मनवाएंगे, बुराड़ी नहीं जाएंगे। बुराड़ी ओपन जेल है। बुराड़ी पार्क कोई आंदोलन करने का पार्क नहीं, वो ओपन जेल है। सो इस करके असी ओपन जेल में जाने की बजाय जहाँ ही सभी जो मार्ग है, पांच मेन मार्ग है, ये पंजी जो पॉइंट है, पंजी पॉइंटों पर असी रोड पर रोड जाम करके, पंजी हाईवे जाम करके दिल्ली की घेराबंदी करेंगे और पक्के तौर पर ये पंजी पॉइंटों पर, पंजी जो बिंदु है उन पर बैठेंगे। किसान लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि किसानों के साथ धोखा हुआ है। हमारे पास सभी जो रहने के लिए जो ट्रैक्टर ट्राली है उनको ऐसी रूम का रूप दिया है, उनमें गद्दे लगे हैं, कपड़े हैं, खाने का सभी सामान है। हमारे साथ इतना राशन है जे 4 महीने भी हमको रोड पर बैठना पड़े तो 4 महीने हमारे साथ राशन है, कोई साड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब आलम यह है कि गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर किसानों का जमघट है। किसानों का यूं अड़ना सरकार की नींदें उड़ाने वाला है। बार बार लगातार किसानों को कृषि मंत्री भरोसा दिला रहे हैं कि नए कृषि कानून किसानों के हित में है, और अगर किसान किसी बात पर नाराज है तो उनकी नाराजगी बातचीत से दूर की जाएगी। अमित शाह ने एक बार फिर दोहराया कि नए कृषि कानून किसानों को जकड़न से मुक्त करने वाले हैं। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि तीनों बिल जो है, किसान रिफॉर्म्स है, वो किसानों के भले के लिए है, और बहुत समय के बाद किसान एक जकड़ी हुई व्यवस्था से बाहर आने वाला है। राजनीतिक विरोध जिनको करना है वो कर सकते हैं। सरकार किसानों को समझाने की जोर आजमाइश में है, लेकिन किसान पर विपक्षियों का निशाना जारी है। योगेंद्र यादव किसानों के साथ प्रदर्शन में शामिल है। सरकार आज भी उसके सामने झुकने को तैयार नहीं है। आज भी प्रधानमंत्री अपनी मन की बात में कह रहे हैं कि इससे तो बस ऐतिहासिक दरवाजे खुल गए किसानों के लिए, ये सब बातें कर रहे हैं। यानी कि सरकार का दिमाग नहीं बदला है। ये अगर चर्चा के लिए खुली है तो प्रधानमंत्री आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। इधर अरविंद केजरीवाल भी सरकार को नसीहत दे रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया, केंद्र सरकार किसानों से तुरंत बिना शर्त बात करे। यानी किसानों के मुद्दे पर सियासत जोरदार है। देखना होगा कि आक्रोशित किसानों को सरकार कैसे शांत कराती है और कब तक शांत कराती है। सिंघू बॉर्डर से मौसमी और अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, गाजीपुर बॉर्डर आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।